40 अगर घोड़ा चल जाएगा रिवाल का तो इंडिया चैंपियन कहलाता है। मलंग 40 चलता है, इंडिया चैंपियन बन के दिखाया उसने। तीन रेस लगातार जीती, हैट्रिक मारी और देश में नाम तो है ही अब जी माशा। क्या माना जाए कि नाक और इज्जत इस बार जो है गौस खान की दांव पर है क्या इस मैदान में? मलंग के ओनर ख्वाजा मोहम्मद गौस खान खुद हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका डाउनटाउन ब्लॉक पर। सबसे पहले मुबारकबाद आपको, लगातार आपका घोड़ा जो है तीन रेस जीत कर आया है। अभी आप इस मैदान में आ चुके हैं तो क्या लग रहा है कि कुछ कमाल होगा? हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल हो भाई, हम तो चाहेंगे और सभी लोग घोड़े लाएँ, सभी चाहेंगे कि उनके सबके साथ में कुछ अच्छा ही हो, सभी इसीलिए आए हैं। तो बाकी तो अब घोड़े तय करेंगे कौन कैसा चलता है, कितना कौन आगे आता है। बाकी घोड़े तो सब चलते हैं, कौन ज़्यादा चलता है। अभी मलंग की स्पीड क्या निकाल रहा है? अभी 39-40 है इस फील्ड के ऊपर। अच्छा। अभी नापे हम लोग, हम थे सरफराज भाई थे, 39-40 रहा। क्या लग रहा है अभी प्रैक्टिस है कंटिन्यू मिल जाती, 3-4 दिन बचे हुए हैं अभी। तो स्पीड इंक्रीज होने की उम्मीद है या उतने में बीट कर ले जाएगा? ये इनफ है, रिवाल चाल का घोड़ा 41-42 हद है। मैंने 41-42 के ऊपर रिवाल का घोड़ा नहीं देखा भाई, कोई अब किसी चलता हो भाई, मैंने नहीं देखा। 40 अगर घोड़ा चल जाएगा रिवाल का तो इंडिया चैंपियन कहलाता है। बाकी 40 चलता था इंडिया चैंपियन कहलाता था। मलंग 40 चलता है, इंडिया चैंपियन बन के दिखाया उसने। मतलब जो 3-4-5 रेसें होती हैं, जहाँ गया वहाँ माशाल्लाह जीता। तो एक तरह से ये हो गया कि भाई ज़्यादातर सभी घोड़े होते हैं, जैसलमेर में थे, सूरत के पूरे घोड़े थे। बाकी आपके यहाँ तो 4 राउंड की होती है सारंगखेड़ा में, वहाँ भी माशाल्लाह जीता। अच्छा एक आखिरी सवाल है, तीन रेस लगातार जीती, हैट्रिक मारी और देश में नाम तो है ही अब जी माशाल्लाह। क्या माना जाए कि नाक और इज्जत इस बार जो है गौस खान की दांव पर है क्या इस मैदान में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इज्जत जिल्लत देने वाला पर नहीं, घोड़ों के मामले में। वैसे तो घोड़ों के मामले में क्या इज्जत, घोड़ा मतलब क्या है? नाक और जो मतलब कह सकते हैं वर्ड ईगो कह ले उसको, मतलब घोड़ों को लेके जो एक जोश और जज्बा और एक भरोसा जो है, क्या वो इस बार दांव पर मारा जाए? नहीं नहीं बिल्कुल मेरा भरोसा है, मुझे मेरे परवरदिगार पे यकीन है कि वो हमको मायूस नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह हो सकता है, बाकी सब किसी का भी कोई जीत सकता है, लेकिन भाई हर आदमी अपने उसमें रहता है कि भाई मेरे घोड़े जीते, मेरे घोड़े जीते। और इसमें कुछ मिलता मिलाता नहीं है, खाली नाम मिलता है कि भाई इनका घोड़ा बहुत अच्छा है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ मिल जाए। लेकिन जो नाम मिलता है उससे सब घोड़ों के मतलब, जैसे घोड़े जीतने लगते हैं तो काफ़ी लोग जानने लगते हैं, और घोड़ों के जरिए आदमी जो है घोड़ेबाजी फील्ड में जाना जाता है भाई। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपके लिए आगामी रेस के लिए। जी शुक्रिया भाई, ख्वाहिश करता हूं, मैं दुआएं भी करूंगा कि आप ही चैंपियन बने। चलिए भाई, तो ये थे ख्वाजा मोहम्मद गौस खान जो मलंग के ओनर हैं। तीन रेस लगातार जीतने के बाद वो एक बार फिर फैजाबाद की फील्ड पर है, हाजी सरफराज खान के मैदान को जीतने के लिए बिल्कुल मलंग तैयार है। लेकिन अब मलंग यहाँ क्या कमाल दिखा पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।